दर्द है? आज तक कोई भी बिस्तर में मेरे सामने टिक नहीं सका, अगर है कोई तो आए सामने। अरे अरे अरे, ऐसे सर क्यों झुका लिए? अगर है कोई मैं कला तो आए जलेबी के सामने, के जलेबी को बिस्तर में छेद करके दिखाए तो मान जाएगी जलेबी। हाँ हाँ, है कोई जो हमारे जलेबी को चित कर दे? अरे है तो आ जाओ सामने, 20,000 का इनाम दूंगी। इनाम है मंजूर तो आओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ना मत साली, चलो जलेबी। पड़े आया हमारा धंधा बंद कराने वाले। सरपंच साहब, एक मिनट सुनिए। कहिए। अगर हम इस कोठे को हमेशा के लिए बंद करा दें, तो हमको क्या मिलेगा? सुना नहीं, कोई गांव वाला उसको चित नहीं कर सकता, सबके सब उसके सामने झुके हुए हैं। जलेबी, तूने शर्त रखकर अपनी मौत को बुलाया है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। देखो, अगर तुमने इसका कोठा बंद करवा दिया ना, तो 20,000 इनाम के तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, और 10,000 रुपया मैं अलग से तुझे दूंगा। अच्छा तो चलो हमारे साथ। कहाँ? हमारे दादा के पास, छज्जूराम हलवाई। छज्जूराम हलवाई है। चल चल। अबे तू, तू कब आया? हम छुप कर सब सुन रहे थे। बापू हमको माफ कर दो, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो चलो चल। अब तो इस केला ने भी हमारा केला लेने से इनकार कर दिया है, अब हमारा क्या होगा ऊपर वाले? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऊपर वाले कुछ तो मदद कर। अरे महाराज, ऊपर वाले से बात कर रहे हैं, शांत हो जा। इस घर में औजार तो है पर मशीन नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। हे ऊपर वाले, सुना था तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, अब तो कोई चमत्कार कर दे, इस बेचारे मासूम का क्या होगा? क्या करूं मैं इसका? कुछ तो व्यवस्था कर दीजिए ऊपर वाले, नहीं तो पूरी उम्र इन हाथों से काम चलाना पड़ेगा। दादा, अरे वो दादा, दरवाजा तो खोलो। लगता है ऊपर वाले की आवाज आ रही है, अब शांत हो जा। हाँ, अरे छज्जू दादा, हो कि निकल लिए? छज्जू निकल लिए? कौन है बे? अबे भोसड़ी के तू, मैं रुको आते हैं, नहीं तो औजार ऐसा फेंक के मारूंगा तेरा सिर दीवार से टकराएगा। रुको, साला मूड खराब कर दिया। आइए आइए सरपंच जी आइए। दादा, ये पास के गांव के सरपंच हैं, और ये है चंपू, सरपंच साहब के बेटे और हमारे दोस्त। आप ही कहते थे ना कि हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं, हमने आपके औजार का बंदोबस्त कर दिया है। अरे बेटे भोसड़ी के, हमें तो विश्वास ही नहीं था कि तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो। यानी हमारे औजार की ज्वाला शांत करने के लिए सरपंच जी को भी ले आए? सरपंच जी, चलो बेडरूम में चलते हैं। अरे वो दादा, इनको स्वर्ग लोक पहुंचाओगे क्या? पहले हमारी बात तो सुनो। ये छज्जूराम बहुत जल्दी में लग रहा है बाबूजी, निपटा दे क्या? अरे बात क्या है, कुछ बताओ भाई। बात ये है कि हमारे गांव में कोठा जलाने वाली औरत रहती है, जिसका नाम है इमरती। उसकी दो बेटियां, एक जलेबी और दूसरी रसभरी, इन तीनों ने गांव वाले के नाक में दम करके रखा है, और जब मैंने कहा गांव छोड़ के चले जाओ तो मुझे ही भला बुरा कहने लग गई। और तो और, जब मैंने जलेबी को आपके बारे में बताया तो आपके औजार के बारे में बुरा भला कहने लगी। क्या बोला उसने हमारे औजार के बारे में? बोली 3600 देखे ऐसे औजार वाले, ऐसे कई औजार वाले आए और मेरी भट्टी में जलकर राख होकर चले गए। क्या? यानी हमारे औजार की इतनी बड़ी बेइज्जती? अबे यही से औजार फेंक के मारूंगा, पूरा खानदान चुट जाएगा भोसड़ी वाली का। अबे भोसड़ी के, तूने उसे रोका नहीं? हमारे औजार के बारे में बताया नहीं तूने? मैं क्या बोलता, मैंने जैसे आपके बारे में बताया, बोली जा बोलते छज्जूराम हलवाई को। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े औजार वाले भी हैं। अरे भगवान ने आपको इतना बड़ा औजार हम सबकी मुसीबत दूर करने के लिए दिया है। हाँ दादा, उठाओ अपना औजार और तहस नहस कर दो उस जलेबी की हस्ती को, जिसने आपके औजार के बारे में बुरा भला बोला है। ठीक है सरपंच जी, मैं उस हराम जादी को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा तेल में तलूंगा कि दोबारा किसी हलवाई से पंगा ना ले सकेगी। रुको एक मिनट। आओगे ना? आ रहा हूँ मैं।
चलो सरपंच जी, आज दिखा देते हैं उस मादर जात को उसकी औकात। अरे लेकिन इतनी सारी मिठाइयाँ वो खा पाएगी? अरे सरपंच जी, ये मिठाई उसके लिए नहीं है, वो तो इसमें से एक भी ना खा सकेगी। अरे अपने लिए लेके जा रहे हैं, चलो। चलो हाँ, चलो। अबे भोसड़ी के हाँ? इतना बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो। मान गए जलेबी तुम्हें, कैसे उस सरपंच का मुंह हमेशा के लिए बंद किया। अब वो भूल के भी नहीं सोचेगा हमारा कोठा बंद करवाने की। जलेबी तो सिर्फ नाम की जलेबी है, अंदर तो पूरा जहरी जहर है। एक बार में पूरा गांव का मुंह बंद करा दिया। अब खुले में हम धंधा करेंगे, किसी की रोक टोक नहीं होगी अभी। माँ अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जा। मैंने इन गांव वालों से कैसे पैसे खींचना है, उनकी नानी नया दिला देना तो कहना, देख लेना। अबे भोसड़ी के, तुम इस सरपंच के साथ क्या कर रहे हो? वो शर्त याद है ना, कि जो बिस्तर पे जलेबी को चित कर देगा ना, उसको 20,000 रुपए इनाम के मिलेंगे और गांव छोड़कर भी जाना होगा। हाँ हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। और सरपंच जी हा? ये क्या करेगा मुझे, ये अच्छी तरह से जानती हूँ इसे, एक मिनट भी टिक नहीं पाता मेरे सामने। क्या सरपंच जी, आप भी बच्चे को ले आए, वो भी जलेबी को चित करने। अरे हम बोस डीके को नहीं लाए हैं, हम किसी और को लाए हैं। कोई और? हाँ। वो कौन है? दादा। अरे ओ दादा। अरे ये है छज्जू राम हलवाई। क्या? हाँ। छज्जू राम हलवाई। छज्जू राम हलवाई, इसके लिए तो हमारी रसभरी ही काफी है। क्यों रसभरी? हंस लो जितना जी चाहे हंस लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, आज तक मेरे औजार के जो भी हत्थे चढ़ा है वो हंसने लायक तो क्या, रोने के लायक भी नहीं रहता। ऐसा जलवा है हमारा। बहुत घमंड है तुम्हें अपने औजार पे, जरा हम भी तो देखे कितने बल है तुम्हारे औजार में। जलेबी जरा दिखा अपना जलवा। अरे ओ भोसड़ी के, अपने इस छज्जू राम हलवाई को दूध बादाम पिला के लाना, पता चला कहीं बिस्तर में बेहोश ना हो जाए मेरे सामने। सरपंच जी पहले इस साली इमरती को ही लपेट दे क्या? अरे शर्त तो जलेबी ने लगाई है, पहले इससे तो निपट लो यार। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। बड़ा ही नर्म और मुलायम है। अरे अरे आज तो इस जलेबी को तलने में बहुत ही मजा आएगा। अरे शांत हो जा भैया, अभी चीज मिली नहीं और लगा फड़फड़ाने। अरे आज तो तुम्हारी महीनों की प्यास बुझा देंगे। अरे सबर कर, बस आने ही वाली है। क्या बला है छज्जू राम? अरे वाह छज्जू राम, ये तो अंदर से अंग्रेजी माल है, बहुत मजा आएगा। अरे ये क्या, तुम तो अभी से टाइट करके बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर तक जाते जाते बस धो जाए। साला अभी से खड़ा करके बैठे हो। पगला गई है, अभी तो मासूम सो रहा है, जब उठेगा तो तुम्हें हमेशा के लिए सला देगा। हथौड़े को खिलौना बोल रही है।
मिठाइयाँ क्यों लाए हो? हम तो बताना ही भूल गए, उसमें लड्डू है, जलेबी है, तुम्हारे लिए लाए हैं। चाहो तो पहले थोड़ा खा लो। अच्छा बाद में खा लेंगे। अच्छा, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा, सोच लो। नहीं, बाद में खा लेंगे। अब जैसे तुम्हारी मर्जी, तो शुरू करें। देखो जी, हमारा औजार मत देखेगा। अच्छा क्यों? प्लास्टिक का लाए हो?